एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दिसंबर 2017. क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है कि कौन सा सीरीज है जो कन्वर्जेंट है. पहला ऑप्शन दिया हुआ है समीशन एन स्क्वेयर अपॉन टू टू दी पावर एन. सेकेंड ऑप्शन है समीशन टू टू दी पावर एन अपॉन एन स्क्वेयर. थर्ड ऑप्शन है समीशन वन अपॉन एन लॉग ऑफ एन. और डी ऑप्शन आपके पास वन अपॉन समीशन वन अपॉन एन लॉग ऑफ वन प्लस वन बाई एन. इसमें से कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है वो डिसाइड करना है. तो पहले केस में ए एन आपके पास है एन स्क्वेयर बाई टू टू दी पावर एन. तो सिंपली डी एल नंबर टेस्ट यूज कर लो. ए एन प्लस वन अपॉन ए एन क्या आ जाएगा एन प्लस वन होल स्क्वेयर अपॉन टू टू दी पावर एन प्लस वन इंटू टू टू दी पावर एन अपॉन एन स्क्वेयर. एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वन पे टेंड हो जाएगा और ये वन बाई टू पे विच इज लेस देन वन. और अगर ये क्वांटिटी लेस देन वन है दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट. और ये इसका जस्ट रिवर्स दिया हुआ है. तो जहां इस केस में एन प्लस वन अपॉन ए एन कैलकुलेट करूंगा तो वो टू पे टेंड कर जाएगा और टू पे कन्वर्ज करेगा तो ये डाइवर्जेंट सीरीज है. जो सीरीज है समीशन वन अपॉन एन लॉग एन ये किसके इक्विवेलेंट है समीशन टू टू दी पावर एन अपॉन टू टू दी पावर एन लॉग ऑफ टू टू दी पावर एन. जैसा इसका बिहेवियर होगा वही इसका बिहेवियर होगा. दिस इज इक्विवेलेंट टू समीशन वन अपॉन एन इंटू लॉग टू विच इज वन अपॉन लॉग टू. कौन सी सीरीज आएगी समीशन वन बाई एन. और ये क्या होती है डाइवर्जेंट. तो ये डाइवर्जेंट है तो इसको भी क्या होना होगा डाइवर्जेंट. तो सी ऑप्शन फॉल्स हो गया. डी ऑप्शन के लिए डी ऑप्शन में जो ए एन दिया हुआ है वो दिया हुआ है वन अपॉन एन लॉग ऑफ वन प्लस वन बाई एन. अगर मैं एन इंटू लॉग ऑफ वन प्लस वन बाई एन को सिंप्लीफाई करता हूं तो ये एन इंटू लॉग वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन. तो ये आ जाएगा वन बाई एन माइनस वन बाई टू एन स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री एन क्यूब एंड सो ऑन. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वन माइनस वन बाई टू एन प्लस वन बाई थ्री एन स्क्वायर एंड सो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे. ये कहाँ टेंड कर रहा है वन पे. और अगर सीरीज का nth टर्म वन पे टेंड कर रहा है तो डेफिनेटली सीरीज इज नॉन कन्वर्जेंट. रीजन क्या है सीरीज को कन्वर्जेंट होने के लिए ये टर्म कहाँ जाना चाहिए जीरो पे. तो डी ऑल्सो नॉट कन्वर्जेंट. तो आंसर शुड बी ए ऑप्शन ओनली. क्लियर है.